नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को भी किया संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अरुणाचल प्रदेश सहित 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत तवांग जिले के मागो चूना बॉर्डर पर तैनात जवानों और स्थानीय लोगों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर किया संवाद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में जांगदोक पालरी मॉनेस्ट्री में गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा मुंबई को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि यह ट्रेन शुरू होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर सबसे पहले विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई पेंटिंग और स्केच भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से गांवों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बूथ स्तर पर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि गांवों में सोलर लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने, हरित और स्वच्छ विलेज, शत प्रतिशत साक्षरता सहित सरकार द्वारा आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आज देश भर के 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 भाजपा कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा, और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाए, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डाले। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हमारे किसान हो उनको समझाएं सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग
कैसे सोलर लगवाए, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है, उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी शत प्रतिशत पढ़ेंगे, इसके लिए मैं काम करूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अरुणाचल प्रदेश सहित 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत मंजूर पूंजी निवेश के प्रस्तावों में से अरुणाचल प्रदेश को 1,255 करोड़, मिजोरम को 399 करोड़ और सिक्किम को 388 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में यह धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश को कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 1,255 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि इससे हेल्थ, एजुकेशन, इरीगेशन, वाटर सप्लाई, पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आज तवांग में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री रिजिजू ने तवांग जिले के सुदूर बॉर्डर विलेज मागो का दौरा किया और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना और ITBP के जवानों के साथ बातचीत की। श्री रिजिजू ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत मागो चुना बॉर्डर पर तैनात मद्रास रेजिमेंट की 27वीं बटालियन और पंजाब रेजिमेंट की 15वीं बटालियन के जवानों के साथ संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ने मागो विलेज में लोगों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बॉर्डर विलेज में सुविधाओं के विकास के बारे में जानकारी दी। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रों में सड़कों और विकास के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में जांगदोक पालरी मॉनेस्ट्री में मौन पालपुंग व्हाइट तारा गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और पर्यटकों के लिए इस गेस्ट हाउस के बनने से सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने इस बौद्ध मठ के परिसर में स्थित लाइब्रेरी का जायजा लिया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लाइब्रेरी में बौद्ध साहित्य का अच्छा संग्रह है। श्री खांडू ने मॉनेस्ट्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित धर्ममति स्कूल का जायजा लिया और छात्रों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में ऑल मोनपा स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल तवांग जिला छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शिक्षा और युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत की समस्या पर बातचीत की। उन्होंने सभी संगठनों से समाज में बढ़ती नशे की लत की समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए इस क्षेत्र की योजनाओं को लागू कर रही है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित ITBP की 4th बटालियन के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने पौधारोपण किया और स्थानीय लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए बल की सराहना की।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री कुमार वाई दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी M चतरथ, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट बोसीराम सीराम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताग्या ब्यालिंग की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीमा सड़क संगठन BRO के कर्मयोगियों ने रिकॉर्ड 72 घंटे में अपर सियांग जिले के दित्य दिमे और मिगिंग के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया है। 19 जून से लगातार कई दिनों तक भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से बोमगो विलेज के पास वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। तिब्बत सीमा से लगे तुतिंग जैसे अपर सियांग जिले के फॉरवर्ड एरियाज में सैनिकों की आवाजाही के नजरिए से यह सड़क काफी मायने रखती है। जिला प्रशासन ने त्वरित गति से सड़क संपर्क बहाल करने के लिए BRO की सराहना करते हुए कहा है कि इससे फॉरवर्ड एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और यातायात में सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने तावांग में एक निजी फार्म द्वारा स्थानीय किसानों के जैविक उत्पादों की खरीद की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को सतत आय का जरिया मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तावांग जिले में ऑफ सीजन में भी फल और सब्जियों का उत्पादन होता है और अरुणाचल प्रदेश बागवानी विभाग के मार्गदर्शन में किसानों द्वारा केमिकल फ्री नेचुरल प्रोडक्ट के उत्पादन से सेना और स्थानीय स्तर पर डिमांड को पूरा करने में मदद मिल रही है। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से कृषि और बागवानी उत्पादन के विपणन में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष और चांगलांग नॉर्थ से विधायक तेसाम पोंगते ने कहा है कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में बढ़ते यातायात के मद्देनजर प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पार्किंग लॉट्स बनाने के साथ ही लोगों के बीच इस विषय पर जन जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि चांगलांग नगरीय क्षेत्र में पार्किंग लॉट्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसके पूरा होने के बाद लोगों की वाहनों की पार्किंग को लेकर शिकायत को दूर किया जा सकेगा। एक टाउन में होता है तो पार्किंग का या ट्रैफिक का ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अभी चांग एक छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन है, डेवलपिंग टाउन है, तो इसमें क्या है, हमने जो रोड आपने देखा होगा पहले इतना छोटा नेरो था, लेकिन मैं आने के बाद उसको वाइडनिंग किया, उसके बाद CC पेगमेंट रोड बनाया, अभी भी बन रहा है पर भी उसको छोटा होते जा रहा है। और सबसे बड़ा बात यह कि हमारा लोग जो है पार्किंग करने का ढंग नहीं है, दो तरफ पार्किंग कर देते हैं तो और भी ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, तो कभी कभार हमको हंसी भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है कि अपने चांगलांग में भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उसका जो नतीजा को देख करके, उसका जो मांग को देखते हुए हम लोग अभी डिसाइड किया कि इसमें पार्किंग लॉट बनाना है। तो ये 2022 में पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत 46 स्मार्ट प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है और 17 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। पासीघाट स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में स्थानीय विधायक कालिंग मोयंग, जिला उपायुक्त ताई तगु, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा और स्मार्ट सिटी मिशन की CEO मांजुली कुमुद सहित सभी हितधारकों की बैठक में यह जानकारी दी गई। Pasighat was included in one of the oldest market in the state. It is Pasighat Square Market. They were built way back in 50s, after the 1950 earthquake. And it was in the very, it was an old market in a very poor state that has been upgraded now. Market upgradation is coming up. And the famous Siam River, the project has been put up there. It is called the Riverfront Development. And in Pasighat, we have got many parks, even for the beautification of the oldest town of the state, Pasighat. The certain project has been coming up. आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश के किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अपर सुबानसिरी जिले के सिगा विलेज के किसान मिनरी सिगा ने बताया कि आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत उन्हें सरकार से सहायता मिली है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्हें बागवानी से अच्छी आय हो रही है।
अपर सुबानसिरी के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ताओ पापू ने कहा कि आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत किसानों को फलों के उन्नत पौधे और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आया था पाइव यूनिट में हम लोग का, यहाँ में तो चार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चार कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाग करके दो यूनिट, एक यूनिट को तत्व सखी को दिया, एक यूनिट हमको दिया, हमारा ML 24 ML तन्या सोकी ने सिलेक्ट कर दिया, और ये हॉर्टिकल्चर से मिला ये ड्राई मशीन। 19 इलेक्शन का बाद में हम सजिता का स्कीम में, वो उसमें बड़ा स्कीम था, 1 करोड़ का स्कीम था सजिता में, हम वो भी मिला है। और जो ये आत्मनिर्भर का, ये आत्मनिर्भर का जो लास्ट करदा माम भी ये इस साल में सिलेक्ट हुआ है, मिलने वाला है, फॉरम वोरम सब हो गया, साइन कर दिया और मिलने वाला है, पैसा अभी तक नहीं जुड़ा है लेकिन मिलने वाला है, सिलेक्शन हो गया। लेपारादा जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासर में मेमोरीज मैनेजमेंट क्लब द्वारा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए आयोजित इस जन जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने छात्रों को नशे के सेवन से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के बारे में जानकारी दी। अपना एक मेडिसिन तौर पर यूज करता था, ठीक है, ये मेडिसिन तौर पर यूज किया जाता था। तो हम लोग ने ऑपरेशन की क्या है, ऑपरेशन के लिए हम लोग को बहुत। आज विश्व MSME दिवस है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने MSME क्षेत्र के उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा और उद्यम स्कीम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।